Yo, what's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. उज्जवल चौरसिया, जिनको हम लोग बखूबी टेक्नो गेमर्स के नाम से जानते हैं, आज ये वीडियो होने वाली है उज्जवल चौरसिया AKA टेक्नो गेमर्स के पूरे करियर और लाइफ स्पैन के बारे में। तो अगर आप लोग टेक्नो गेमर्स के हार्डकोर और डाई हार्ड फैंस हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। क्या पता आपको टेक्नो गेमर्स के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जो शायद आज तक आपको नहीं पता था। सो चलिए चले बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। उज्जवल चौरसिया पैदा हुए न्यू दिल्ली में ऑन 12th January 2002, और उज्जवल की जर्नी उनके अर्ली ईयर से ही शुरू हो गई थी व्हेन ही वाज जस्ट अनदर मिडिल क्लास बॉय फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलने का भैया को बहुत ज्यादा शौक था, और आउटडोर गेम्स में फुटबॉल और क्रिकेट इनकी फेवरेट थी, और इंडोर गेम्स में मोबाइल गेमिंग वाज हिज फेवरेट सिंस द स्टार्टिंग, जब इनके पास अपना फोन भी नहीं हुआ करता था और ये अपने भाई के फोन पे गेमिंग करा करते थे। हमारे उज्जवल भाई को बहुत ज्यादा फैसिनेशन थी हाई एंड गेम से, जो यूजुअली प्लेस्टेशन और पीसी पर ही अवेलेबल थी, पर उनके पास अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं था टू एनी ऑफ दोज डिवाइसेस। बट उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू करे दैट वो हाई एंड गेम्स कैसे स्मार्टफोन्स के ऊपर खेल सकते हैं, और उनको गेमिंग का एक्सपोजर मिला फ्रॉम द फर्स्ट एवर गेम दैट ही प्लेड, दैट वाज स्नो ब्रोज। और इसी के साथ साथ उन्होंने GTA Vice City भी खेलना शुरू किया, जिनसे उनका गेमिंग क्रेज और भी बढ़ता दिखाई दिया, और वो और भी उतावले होते हुए दिखाई दिए जस्ट टू प्ले एंड जस्ट टू एक्सप्लोर मोर गेम्स। उज्जवल के क्लासमेट्स उनकी इसी डिस्कवरी से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड भी थे और साथ ही साथ खुश भी थे, बिकॉज उज्जवल भाई के थ्रू उन लोगों को ऐसी ऐसी गेम्स खेलने को मिलती थी जो उन्होंने शायद कभी सोचा भी ना होगा। एंड यही चलते हुए उज्जवल ने डिसाइड किया दैट क्यों ना अपने स्कूल से बाहर एक दुनिया देखी जाए और यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करी जाए, जो कि एक ट्यूटोरियल वीडियो थी। हाय व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उज्जवल है और आप देख रहे हैं क्लैशिंग विद उज्जवल। तो अपने श्री राम जैसे भाई की सपोर्ट और गाइडेंस के बाद उज्जवल ने स्टार्ट किया यूट्यूब पे फोकस करना, अपने गेमिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना और नई नई गेम्स को खोज के अपनी ऑडियंस के सामने रखना, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से उनका चैनल बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और उन्होंने अपने यूट्यूब पे एक स्केड्यूल बना लिया जहां पे वो अलग अलग गेम्स उसी स्केड्यूल के हिसाब से खेलते थे, ताकि जो व्यूअर्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गेम देखना चाहते हैं उनको मालूम रहे दैट ये वाली गेम कब उज्जवल भाई खेलने वाले हैं। एंड इसी की वजह से मल्टीपल सेट ऑफ ऑडियंसेस उनसे इंप्रेस हुई और उनके यूट्यूब चैनल पर आग लगती हुई दिखाई दी। उज्जवल के सबसे पहले यूट्यूब चैनल का नाम था उज्जवल चौरसिया, पर सबसे बड़ी बात ये थी दैट उन्होंने अभी तक अपने फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व नहीं किया था, यानी कि उनकी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता था दैट उज्जवल चौरसिया अब एक यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और उज्जवल चौरसिया जो कि उनके बेटे हैं वो एक गेमर के रूप में अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। और ये सारा तामझाम सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उनको गेमिंग को और अपनी स्टडीज को एक बैलेंस बनाकर रखना था, एक कंप्लेंट नहीं लाना चाहते थे अपने पेरेंट्स के सामने दैट गेमिंग की वजह से उनकी 10th ग्रेड खराब हो गई। और इसी सब के बीच उज्जवल अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हुए दिखाई दे रहे थे, बिकॉज उनके फ्रेंड्स को कभी मालूम ही नहीं था दैट गेमिंग क्या होती है और यूट्यूब क्या होता है। और इस सब के बाद टेक्नो गेमर्स की रियल जर्नी शुरू हुई व्हेन उज्जवल वाज ओनली 15 इयर्स ऑफ एज। अपने भाई के सजेस्ट करने पर उज्जवल ने स्टार्ट करा यूट्यूब पर फोकस करना, और उन्होंने अपना एक नया चैनल शुरू किया जहां पे वो गेमिंग और टेक्नोलॉजी दोनों के कंटेंट को आगे पुश करना चाहते थे, एंड फॉर दीज ऑब्वियस रीजंस उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा टेक्नो गेमर्स। सब्सिक्वेंटली उज्जवल ने अपनी वीडियोस की क्वालिटी को भी एनहांस किया और अपनी गेमिंग स्किल्स को भी और ज्यादा एनहांस किया, और हिंदी में अपनी कमेंट्री और बेटर एडिटिंग स्किल्स के साथ अपनी वीडियोस को एडिट करना शुरू किया, ताकि लोग और ज्यादा हुक हो सके उनकी वीडियोस के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो सके उनकी आवाज के साथ। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते उनकी एक वीडियो सीरीज ने काफी ज्यादा जोर पकड़ा, जिसका नाम था हाउ टू डाउनलोड प्ले स्टेशन गेम्स ऑन फोन, और इसी सीरीज के बाद नंबर ऑफ व्यूज ऑन हिज चैनल लिटरली टुक ऑफ। 1000 सब्सक्राइबर से पहले उज्जवल अपने भाई के फोन पर ही खेला करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे, एडिट किया करते थे और अपलोड किया करते थे, एंड अपने सारी की सारी वीडियोस को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे प्रमोट भी किया करते थे। बट आफ्टर ही क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स उज्जवल की डेडिकेशन पे ऑफ होती हुई दिखाई दी, जब उनकी एक वीडियो और ज्यादा वायरल होती हुई दिखाई दी एंड काफी ज्यादा व्यूज आते हुए दिखाई दिए ऑन द वीडियो, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल ज़ी ज़ेनोवर्स।
उज्जवल के चैनल ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दिया एंड उन्होंने और ज्यादा हिंदी वॉइस ओवर्स को अपनी वीडियोस में ऐड करना शुरू कर दिया। उनके कैंडिड और फ्रेश कंटेंट की वजह से काफी ज्यादा रीच उनकी बढ़ती हुई दिखाई दी और उनके हार्डवर्क ने पे किया, जब हाल में ही टेक्नो गेमर्स रिसेंटली क्रॉस करते हुए दिखाई दिए 30 मिलियन मार्कर ऑन यूट्यूब। और उनके 30 मिलियन मार्कर को क्रॉस करने के पीछे जो फ्रेश और कैंडिड कंटेंट है, उन्होंने लॉकडाउन के बीच में उनको पुश किया टू मेक एन एपिसोडिक गेमिंग वेब सीरीज जो पहले किसी ने भी इंडस्ट्री में नहीं करी है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, डेवलप किया कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड स्टोरीज को बनाया और इस सबके पीछे जो आइडिया था वो ये था दैट टेक्नो गेमर्स के फैंस को हमेशा अपने कंटेंट से एंगेज्ड और हुक्ड रखना है। इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स के साथ उज्जवल ने एक चीज सीख ली, दैट कंसिस्टेंसी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिकनेस हमेशा एक कंटेंट में होना चाहिए एंड दैट इज द ओनली वे थ्रू विच द ऑडियंस कैन फाइंड द राइट कंटेंट एंड हेल्प द क्रिएटर्स ग्रो। अब आप सब सोच रहे होंगे दैट टेक्नो गेमर्स तो बाद में आया था जिसपे अब 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, पर जो सबसे पहले चैनल बनाया था उज्जवल भाई ने उस पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? तो उस पे आज की डेट पे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सो अ टोटल ऑफ 39 मिलियन सब्सक्राइबर्स इज द काउंट दैट टेक्नो गेमर्स एके उज्जवल चौरसिया हैज राइट नाउ ऑन YouTube। अब जैसा कि मैंने बताया दैट उज्जवल भाई एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिकनेस अपने कंटेंट में हमेशा लाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी गेमिंग वेब सीरीज के बाद 2021 में लॉन्च किया अपना डेब्यू सॉन्ग दैट वाज गेम ऑन। और इसी गाने के लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया विद अ फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर सजील कपूर, जो कि प्रोमिनेंटली सेज ऑन द बीट के नाम से जाना जाते हैं। अगर आप सजील कपूर को नहीं जानते हैं तो आपने उनका एक फेमस सॉन्ग जरूर सुना होगा जो कि मूवी गली बॉय से है, जिसका नाम है मेरी गली में। बट कंटेंट में सिर्फ यूनिकनेस लाना या फिर कंटेंट में नई एक्सपेरिमेंटेशन करना ही एक कारण नहीं था जिस वजह से उज्जवल ने अपना गाना गेम ऑन रिलीज किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में कूदने का एक और कारण था दैट उज्जवल अपनी गेमिंग जर्नी को सबके सामने लेकर आना चाहते थे एंड दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को थ्रू दिस सॉन्ग दैट गेमिंग इज ऑल्सो अ जेन्युइन एंड अ लेजिट करियर। म्यूजिक वीडियो गेम ऑन ने ऑलरेडी अभी तक 70 मिलियन व्यूज गैदर कर लिए हैं। अब अगर इस सबके बाद हम ऑन अ होल बात करें एंड उज्जवल के करियर को ऑन अ बर्ड्स व्यू देखें तो हम देख सकेंगे दैट उज्जवल की जर्नी इज जस्ट लाइक अ लॉग बुक जिसमें हर एक अचीवमेंट एक चैप्टर बन के दिखाई दी है और एक ऐसा ही चैप्टर हाल में इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है इसी लॉग बुक ऑफ सक्सेस में, जहां पर टेक्नो गेमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ प्लेएबल कैरेक्टर इन द गेम बैटल स्टार्स। और इसी प्लेएबल कैरेक्टर को उनका खुद का एक बहुत यूनिक वेपन दिया गया है और एक बहुत ही आइकॉनिक लुक दी गई है। उज्जवल भाई ने सुपर गेमिंग के साथ बहुत क्लोजली वर्क किया है टू डेवलप दिस प्लेएबल हीरो और साथ ही साथ उन्होंने काफी ज्यादा इनपुट भी दिया है डेवलपर को, विच हैज हेल्प्ड द डेवलपर्स टू मेक दिस गेम एंड द गेम प्ले मोर वैल्यूएबल एंड इनसाइटफुल। अब जैसे कि हमने बताया दैट उज्जवल की टाइमलाइन को अगर हम लोग बर्ड्स व्यू पे देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे अ लॉट ऑफ चैप्टर्स ऑफ सक्सेस जो अभी भी खत्म नहीं हुए। There are definitely many more chapters to come, पर फिलहाल हम लोगों के लिए वीडियो खत्म हो रही है। But definitely उज्जवल भाई से एक बात तो सीखनी पड़ेगी, that perseverance and hard work are definitely the key to success. इतने सारे challenges और deterrents face करने के बाद भी उज्जवल भाई ने give up नहीं किया and he made his dream come true. और इसी के साथ साथ उन्होंने इतने सारे लोगों को अपने content के through अपने साथ glue करके रखा और literally आज techno gamers भाई के ऐसे die hard fans हैं जो techno gamers भाई के video देखे बिना खाना तक नहीं खा सकते। एंड इफ यू आर दैट डाई हार्ड फैन ऑफ द हार्डकोर आर्मी ऑफ टेक्नो गेमर्स, प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन विद मेनी मोर चैप्टर्स ऑफ टेक्नो गेमर्स टू डिस्कस।